2,500 के इनामी फरार बदमाश को पुलिस ने गुड़गांव हरियाणा से किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि क्षेत्र अधिकारी विकास नगर कार्यालय डाकपत्थर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बीडी उनियाल ने ये जानकारी देते हुए कहा कि 2018 में सुधीर मलिक ने डालीपुर स्थित लगभग 10 बीघा भूमि को फर्जी तरीके से बेचा। ये भूमि सुरेंद्र चंद्र यादव पुत्र राम सिंह निवासी आशीर्वाद इंक्लेव बल्लूपुर रोड देहरादून व उनके पार्टनर संजय घई मैसर्स माउंट कंस्ट्रक्शन की थी। कोतवाली विकास नगर में सुधीर मलिक के खिलाफ तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर कोतवाली विकास नगर में सुधीर मलिक के खिलाफ मुकदमा संख्या 346/2018 धारा 420 467 468 471 120B एवं 506 IPC के तहत पंजीकृत किया गया था। तभी से सुधीर मलिक फरार चल रहा था। सुधीर मलिक को पकड़ने के लिए पुलिस ने दो टीमों को गठित कर अभियुक्त के पैतृक निवास ग्राम विसाड़ चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा एवं दिल्ली आदि स्थानों पर रवाना किया। आसपास के लोगों को आरोपी की फोटो दिखाकर और पुलिस मुखबरी के आधार पर वेदांता हॉस्पिटल गेट के पास सेक्टर 38 गुड़गांव हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। लगभग 3 वर्ष से सुधीर मलिक गिरफ्तारी से बचने के लिए होटलों में किराए पर रह रहा था। रिपोर्ट ब्यूरो DCP न्यूज उत्तराखंड। एक देहरादून की मैसर्स माउंटेन कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी है जिसकी ढालीपुर में करीब 8 बीघा जमीन थी और ये जमीन का मालिकाना हक कंपनी का था। ये जो पकड़ा गया है मिस्टर सुधीर मलिक, ये मूल रूप से शामली के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने 4-5 साथियों के साथ मिलकर के उस जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए और दस्तावेज तैयार करके उसको बेच दिया, जिस पर जो है बाद में जिन लोगों ने खरीदी है उनको जानकारी हुई है। तो उनके द्वारा 2018 में एक मुकदमा थाना विकास नगर में पंजीकृत कराया गया था। तो उसमें अन्य 4 लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं, पहले से ही जेल में हैं और ये मान्यवर तब से बराबर भागी रहे थे। तो उसके बाद इन पर 2,500 रुपये का भी इनाम घोषित कर दिया गया था। कल सूचना मिली है कि इनका लोकेशन हरियाणा में गुड़गांव के पास में है, तो उस पर यहाँ से स्पेशल टीम गई और गुड़गांव से इनको गिरफ्तार करके लाया गया है और आज इनको न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा।